सो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा आठवीं का यहाँ पर विषय हिंदी का पेपर है, पूरा का पूरा हम लेकर आ चुके हैं सॉल्यूशन सहित। सो गाइस, जो आपका पूरा का पूरा हल है, इसी वीडियो में हमने पूरा पूरा आपका सॉल्यूशन कर लिया है। सो गाइस, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि गाइस जो पेपर है हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन सहित बताने वाले हैं। सो गाइस, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना, देख लीजिए गाइस। सो गाइस, देख लीजिए जो आपके प्रश्न उत्तरों का सॉल्यूशन है वो भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर हम पेपर में ही हल करके लाए हैं। सो गाइस, आपको वीडियो के एंड तक बने रहना, जो आपका हिंदी का पेपर है पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। गाइस, सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 24 क्वेश्चन है, यहाँ पर 24 क्वेश्चन तक हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे। सो गाइस, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे पूरे सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपका पेपर है डी सेट का पेपर है। यहाँ पर गाइस, पूर्णांक आपका 60 का रहने वाला है, कुल प्रश्नों की संख्या 24 रहने वाली है। और गाइस, यहाँ पर वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23, यहाँ पर विषय हिंदी, यहाँ पर कक्षा आठवीं है, परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके जितने टोटल क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्न है, यहाँ पर क्लास 8 हिंदी डी सेट का पेपर है, यहाँ पर पीटीओ। यहाँ पर गाइस देख लीजिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प का चयन करना है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। देख लीजिए, इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु समय, इस समय इस संसार में सभी वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है। सो गाइस, आप इस पे ऐसे जो गद्यांश दिया हुआ है इसे पढ़ लेना। और गाइस, जो इसके क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे क्वेश्चन। गाइस, आपको टेंशन नहीं लेना, हम सॉल्यूशन बता देंगे, आपको जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम आपको सॉल्यूशन बता देंगे। देख लीजिए, यहाँ पर विद्यार्थी का संधि विकसित क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी। यहाँ पर विद्या प्लस अर्थी आपको उत्तर में लिख देना, विद्या प्लस अर्थी। यहाँ पर दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है, संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, मूल्यवान वस्तु क्या है, समय। सो गाइस, आप पैसेज में पढ़ लेंगे तो गाइस आपको आंसर मिल जाएंगे। सो गाइस, देख लीजिए, हमने आपको आंसर पूरे पूरे ढूंढ कर बता दिए है। सो गाइस, फिर आ जाता है तीसरा, शत्रु का विलोम शब्द, जो शत्रु होता है शत्रु का मित्र होता है विलोम शब्द। यहाँ पर विलोम आपका मित्र आंसर राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस आ जाता है चौथा, श्रेष्ठ नागरिक में विशेषण होता है, यहाँ पर श्रेष्ठ नागरिक में श्रेष्ठ विशेषण होता है। सो गाइस, आपका उत्तर में हो जाएगा श्रेष्ठ। सो गाइस, इस तरह आपका जो है चौथा हो जाता है। फिर गाइस आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट गाइस पांचवा आपका, देख लीजिए पांचवा क्या कह रहा है, अमूल्य शब्द में उपसर्ग है, अमूल्य शब्द में उपसर्ग क्या है, आ उपसर्ग, जो आगे लगाए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, यानी आ ऑप्शन, जो घा ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, आपको उत्तर में आ भर देना है। फिर गाइस आ जाता है निर्देश, दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चयन कीजिए। देख लीजिए, जो गाइस आपके 5 तक गद्यांश से प्रश्न आए हैं, वो गाइस जो सूचना दी हुई है चित्र के आधार पर, सो गाइस इसमें से भी आपके 5 अंक जो 5 सही विकल्प आए हैं। सो गाइस, देख लीजिए, जो आप पढ़ लेना, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण व वृक्षारोपण का महत्व। सो गाइस, आप इसे पढ़ लेना। देख लीजिए, यहाँ पर है क्वेश्चन 6वां, चित्र में किसका महत्व दर्शाया गया, किसका महत्व, वृक्षारोपण का महत्व दर्शाया गया। सो गाइस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृक्षारोपण का महत्व, यहाँ पर वृक्षारोपण का महत्व दर्शाया गया है चित्र में। सो गाइस, आपको खा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस आ जाता है आपका जो है, आपको उत्तर में भर देना वृक्षारोपण का। यहाँ पर फिर 7वां आ जाए, पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं, पेड़ हमें क्या प्रदान करते हैं, सभी यानी ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं और लकड़ी और फल मेवा भी। सो गाइस, आपका जो घाव ऑप्शन दिया हुआ है सभी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस आ जाता है 8वां, 8वां, अगर एक पेड़ लगाओगे तब वे हमारे काम आएंगे, यह नारा किस विषय पर लिखा गया है। यहाँ पर जो घाव ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, खा एवं गा दोनों पर, यहाँ पर देख लीजिए दोनों पर ये नारा आधारित है। सो गाइस, फिर आ जाता है 9वां, पर्यावरण को बेहतर किस प्रकार बनाया जा सकता है, यहाँ पर पेड़ लगाकर पर्यावरण को जो बेहतर बनाया जा सकता है। सो गाइस, पेड़ लगाकर पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है, खा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस आ जाता है 10वां, चित्र में वृक्षों को अन्य किस नाम से पुकारा गया है, जो चित्र है उसमें वृक्षों को किस अन्य नाम से पुकारा गया है, यहाँ पर सोना, जो का ऑप्शन दिया हुआ है सोना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पेड़ों को अन्य नाम से सोना नाम से पुकारा गया। चलिए हम नेक्स्ट आ जाते हैं, 10वां तक आपके सही विकल्प हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं आपके प्रश्नोत्तर। सो गाइस, ये रहे आपके प्रश्नोत्तर, देख लीजिए जो आपके प्रश्नोत्तर हैं यहाँ पर देख लीजिए, वो जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3-3 नंबर के हैं, देख लीजिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है 3-3 नंबर के हैं आपके। यहाँ पर निर्देश, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भाव अर्थ लिखना है। इसका आपको गुण के गाहक सहस नर, यहाँ पर इस दो लाइन आपको दी गई है, इसी के देख लीजिए, हमने लिख दिया पूरा पूरा। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाता है आपको 12वां, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को दिवंगना क्यों कहा है। 3 अंक का क्वेश्चन देख लीजिए। अपंग होते हुए भी लड़की धैर्य को अपने काम स्वयं करने लगती थी। लेखिका ने उनके उसके विषय में लिखा है कि नीति के प्रत्येक कठोर आघात को साहस से झेलती। सुगैस ये आपको लिख देना है। फिर गाइस आ जाता है 13वां, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में किन मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया है। सुगैस 3 अंक का क्वेश्चन देख लीजिए। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में प्रचलित मान्यताओं का खंडन करने का साहस किया था। उन्होंने साफ शब्दों कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। सुगैस ये आपका 13वां हो जाएगा। फिर 14वां आ जाता है, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे। यहाँ पर देख लीजिए, मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार इसलिए मानते थे, इतना तो आपका क्वेश्चन का ही हो जाएगा कि बिरसा के उपचार से लोग तुरंत ठीक हो जाते थे। गाइस इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस आ जाता है जो है आपके बिल्कुल शॉर्ट में आंसर है, क्योंकि आपको जो 3 नंबर जो 3 नंबर के आपके हैं। सो गाइस आपको इतना ही लिखना है। फिर आ जाता है 15वां, शहीद हुए स्वयं निहाल चंद्र बिश्नोई के बारे में आप क्या जानते हैं। शहीद हुए स्वयं निहाल चंद्र बिश्नोई को भारत सरकार ने मरणोपरांत स्वर्ण चक्र से सम्मानित किया। यह एकमात्र और गैर सैनिक है। सुगैस ये आपका 15वां हो जाएगा। 16वां क्या करें, धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, धन पाकर हमें अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए, धन की स्थिति स्थायी नहीं रहती, उसकी गति चंचल है, वह कहीं स्थिर होकर टिकती नहीं है। यहाँ पर जो है जो धन है वो कहीं स्थिर होकर टिकता नहीं है। सुगैस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसे अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। फिर गाइस आ जाता 17वां, सेना शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर सैनिक बनाया जा सकता है। वह प्रत्यय लिखकर उसे बने अन्य 4 शब्द लिखिए। देख लीजिए, सेना में आपको 1 प्रत्यय लगा देना तो सैनिक बन जाएगा। फिर आपको 1 प्रत्यय के 4 अन्य नाम लिखना। देख लीजिए, सामाजिक हो जाएगा, दूसरा मौजिक हो जाएगा, और तीसरा नैतिक हो जाएगा, चौथा ऐतिहासिक। फिर आ जाता 18वां, मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ व उसका क्या क्या प्रभाव रहा। सुगैस जल्दी से आप 18वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये रहा आपका 19वां। सुगैस ये रहा आपका 19वां, जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि जो आपके आंसर हैं जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए ये रहा गाइस आपका 20वां क्वेश्चन, देख लीजिए। फिर आ जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 अंक के रहते हैं। देख लीजिए 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए 1 शब्द लिखिए जो बिना वेतन के लिए काम करता है, आवेतनिक, और जो मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शक हो जाएगा। फिर है जहाँ पानी के जहाज सो बंदरगाह है। फिर गाइस आ जाता है आपका सूत्र नीति के लाभ लिखिए। यहाँ पर 2 अंक का है, सो 2 लाभ लिख देना है। इस क्रिया के अभ्यास से नेत्र ज्योति बढ़ती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। फिर गाइस आ जाता है 22वां, ध्यान की 3 प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। यहाँ पर हो जाएगा स्थूल ध्यान, दूसरा हो जाएगा ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। यहाँ पर हो जाएगा गाइस आपके जो है 22वां पूरा हो जाता है। 22वां का बा देख लेते हैं। यहाँ पर 22वां का बा ये रहा, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं मूल शब्द अलग कीजिए। यहाँ पर तत् लीन में है, उपसर्ग है तत् और मूल शब्द लीन। यहाँ पर दुर्भाग में दुर् उपसर्ग हो जाएगा और भाग आपका मूल शब्द हो जाएगा। फिर गाइस आ जाता है 23वां, देख लीजिए, रैदास की भक्ति किस भाव की है और उदाहरण देकर समझिए। यहाँ पर रैदास की भक्ति दास भाव की है। कवि रैदास इस विषय में लिखा है कि प्रभु तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सो गाइस ये आपका जो उदाहरण हो जाएगा। फिर आ जाता है बा, यहाँ पर निम्नलिखित संधि पदों का विकसित करके संधि का नाम लिखिए। यहाँ पर दिगंबर में आपका दिग प्लस अंबर आपकी छंदी विकसित हो जाएगी, उस संधि का नाम हो जाएगा स्वर संधि, और इसमें उल्लास में हो जाएगा उत् प्लस लास, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर गाइस आ जाता है 24वां, वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु अपने पिता को 1 पत्र लिखिए। चलिए गाइस यहाँ पर देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको अच्छी हैंड राइटिंग से लिख देना है। यहाँ पर गाइस जो यहाँ पर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से याद कर लीजिए। 5 अंक का क्वेश्चन है। सो गाइस इस तरह जो आपका पेपर है पूरा का पूरा हो जाता है। सो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो आपके सभी विषय के पेपर है इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।